पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को इतना मान सम्मान दिया, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद। और मैं मतलब इतना मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो मेरा यही है कि मैं अपने देश के लिए मेडल लेके आया हूँ। तो मतलब ये पूरी हॉकी टीम का मेडल नहीं है, पूरे देश का मेडल है, क्योंकि पूरे देश की हमारे साथ दुआएं थी कि आप लोगों को मेडल जीत के आना। तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ अपने देश से कि आप गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सके, बट मैं कोशिश करूँगा 2024 में जो ओलंपिक्स होगा उसमें मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा जरूर। और मेरी कभी कोई पर्सनली मांग मेरी कभी कुछ नहीं रही, तो मैं जो मतलब मैं क्लासिक पे खेल के जो मेरे को मतलब कठिनाई फेस मतलब मैंने फेस किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपके कोई वो जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ ऐसा ना हो। तो मैं सभी से जितने माननीय गण है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रस्ट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि जो जो हमने फेस किया, जो मैंने फेस किया, जो आने वाली जनरेशन है वो उस चीज़ को फेस ना करे। तो ये मेरी कोई पर्सनली मांग नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, जैसे मैं यहाँ से भी एक लड़का निकला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में 10 लड़के निकले ऐसे। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे टर्फ लगे, और लास्ट में मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को इतना मान सम्मान दिया। बाकी तो ये है कि जब हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच था टोक्यो में, तो मेरे पे इतना प्रेशर नहीं था, बट मेरे पे अभी कुछ ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मेरे को इतना बोलना नहीं आता। तो मेरा इतने ही शब्दों में सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ और धन्यवाद सभी का। मैं यही चाहता हूँ, मैं शुरू से यही बोलता आया हूँ कि जिस भी फील्ड में है, कोई भी है, चाहे प्लेयर्स की फील्ड में है या स्टडी की फील्ड में है, जिस भी मतलब जिस भी स्पोर्ट्स को आप कर रहे हो उसको पूरे दिल से करो, मतलब लगन से करो उसको, मतलब टाइम पास के लिए मत करो जिस भी आप फील्ड में हो। तो मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी जैसे नीरज चोपड़ा का भी गोल्ड आया, इन प्लेयरों को सभी देख के अपने आप को प्रेरणा लें कि हाँ हम भी ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही देखते रहे टीवी पे किसी को कि हाँ ये प्लेयर है, तो हमें भी अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो उस चीज़ को देख के आपको मेहनत करनी चाहिए और आगे सक्सेस होना चाहिए।